बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर और आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम MGT 101 असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्यूशन स्प्रिंग 2022 जो है कंप्लीट 200 स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। जिस सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसकी ड्यू डेट 3 जून 2022 है। इसके टोटल मार्क्स जो है वो 15 हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए कि आपको वीडियो हमारी कैसी लगी। इसके अलावा दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको जो है वो हमारी वेबसाइट का लिंक दे दिया गया। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, जब भी दोस्तों आपकी कोई असाइनमेंट आए तो उस असाइनमेंट का क्विकली सोल्यूशन हासिल करने के लिए आपने सिंपली उस अपने असाइनमेंट की जितनी भी क्वेश्चन फाइल हैं उन तमाम क्वेश्चन फाइल को हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर देना, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। ताकि जितनी जल्दी आप जो है वो अपनी क्वेश्चन फाइल हमारी वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे उतनी जल्दी जो है हमें पता चल जाएगा कि हमारे आपके जो फलां असाइनमेंट आई हुई है तो हम उसका सोल्यूशन रेडी कर सकेंगे। दोस्तों जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट को इतना यूजर फ्रेंडली बनाया गया कि हर चीज़ वाजह लिखी गई है, ठीक है। आपने हर पेज को स्क्रोल करके देख लेना, आपको हर चीज़ यहाँ पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी की अवेलेबल कर दी गई है। अब असाइनमेंट का क्वेश्चन फाइल आपने अपलोड कैसे करनी है, कोई भी पिक्चर कोई भी ऑडियो वीडियो कैसे आप अपलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, उसका सोल्यूशन बता देता हूँ। सिंपली आपको ये मेन्यू नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सबसे लास्ट पे लॉगिन का बटन नज़र आ रहा है, आपने इस पे जाकर अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना। पहले रजिस्टर नहीं किया तो रजिस्टर कर लें अकाउंट, उसके बाद लॉगिन कर लेना। आफ्टर लॉगिन देन यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रही है अपलोड की। जैसे आप अकाउंट लॉगिन कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको ले जाएगा ये अपलोड वाले पेज पर। वहाँ जाकर अपने पेज को स्क्रोल कर लेना। जैसे पेज को स्क्रोल करेंगे तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी अपलोड फाइल के नाम से, उसके ऊपर जाके आप अपनी फाइल का टाइटल बताएंगे, उसके बाद अपनी फाइल चूज करेंगे। अगर आपकी कोई इमेज वीडियो ऑडियो है तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपकी कोई असाइनमेंट की क्वेश्चन फाइल है तो उसकी आप क्वेश्चन फाइल एमएस वर्ड की अपलोड करके सिंपली नीचे बटन होगा अपलोड का, आपने उसके ऊपर क्लिक करना तो आपकी फाइल जो है वो अपलोड हो जाएगी। सो ये तरीका है अपलोड करने का। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब भी असाइनमेंट आए तो काइंडली उसकी क्वेश्चन फाइल जो है मस्ट हमारी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया करें, टाइम वेस्ट के बगैर आपका ही फायदा होगा। चलें आज का क्वेश्चन नंबर 200 जो MGT 101 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आपको दो कॉलम दिए गए हैं। फर्स्ट कॉलम जिसमें आपको सब अकाउंटिंग हेड्स बताए गए हैं, यानी जो मेन अकाउंट्स होते हैं उनके जो सब अकाउंट्स हैं ना उनकी हेडिंग बताई गई हैं, और सेकंड कॉलम के अंदर आपको मेन हेड्स ऑफ अकाउंट्स बताए गए हैं जिनमें तीन अकाउंट्स हैं, एक रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है और दूसरा पर्सनल अकाउंट है। आपने ये बताना है कि ये जो आपको सब हेडिंग बताई गई है ये कौन सा अकाउंट है, ठीक है। और इसी तरह आपने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को फिल करना है। तो यहाँ पर दोस्तों पहली जो सब हेडिंग है उसमें लिखा हुआ है लॉस बाय फायर अकाउंट, तो आपने बताना ये लॉस बाय फायर अकाउंट किस मेन हेड ऑफ अकाउंट की एग्जांपल है, यानी सब हेडिंग है, सब अकाउंटिंग हेड्स है। तो यहाँ पे दोस्तों तीन मेन हेड्स हैं, कौन कौन से, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। तो दोस्तों ये जो लॉस बाय फायर अकाउंट है ये कौन सा अकाउंट है, आपका नॉमिनल अकाउंट है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है नॉमिनल ACOUNT अकाउंट। तो ये पहला आंसर हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। सो नेक्स्ट आ जाता है जी कैपिटल अकाउंट। दोस्तों कैपिटल अकाउंट जो है वो एक पर्सनल अकाउंट होता है, कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। सो सेकंड जो आपका यहाँ पे सब अकाउंटिंग हेड्स है इसका जो आंसर है वो है जी पर्सनल अकाउंट, पर्सनल ACOUNT अकाउंट, ठीक है। थर्ड जो आपकी हेडिंग है सब हेडिंग है उसमें लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है जी रियल अकाउंट, तो रियल ACOUNT अकाउंट। सो दोस्तों ये आपके तीनों आंसर मैंने लिख दिए, पहला आंसर है नॉमिनल अकाउंट, दूसरा आंसर है आपका पर्सनल अकाउंट और तीसरा आंसर है रियल अकाउंट। जैसे मैंने एमएस वर्ड में सॉल्यूशन फाइल तैयार किया ऐसे ही आपने भी सॉल्यूशन फाइल तैयार करनी है, ऊपर हेडिंग ऐसे ही लिख के अपनी आईडी लिख लें, अपना नाम लिख लें, इससे तरह आप थोड़ी यानी खूबसूरती कर दीजिएगा। टेबल कैसे बनाते हैं उसके लिए आप इंसर्ट के ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर टेबल वाले ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर टेबल सेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप टेबल बनाएंगे दोस्तों, ठीक समझ आ गई आपको। तो अपने हाथों से जो है यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन आपने देख लेना, बाकी आपने हेड जो है ना सॉल्यूशन फाइल खुद रेडी करनी है एमएस वर्ड पे, ताकि आपका कॉपीराइट क्लेम ना आए। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है जो क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दोस्तों हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया था जिसमें आपने चार जो है चीज़ें बतानी थी। पहले बताना था कैश इन हैंड, यानी अगर आपका आपके हैंड के अंदर कैश है तो उसको उन्होंने पहले बताया हुआ था ओपनिंग बैलेंस, यानी उन्होंने बताया हुआ है 1,90,000 रुपया फर्ज करें आपके पास है, ठीक है, 1,90,000। उसमें से अगर आप माइनस करें 15,000 रुपया तो बताएं बाकी कितना बच गया।
तो आपने बताया बाकी बच गया 1,75,000 रुपये, यानी 1,90,000 में से 15,000 माइनस किया, 1,75,000 बच गया। तो आपने इस तरह टेबल की फॉर्म में जो लिख देना है, ओपनिंग बैलेंस इतना था उसमें से माइनस किया ये, तो बाकी बच गया इतना बैलेंस, फिर माइनस किया ये, फिर बाकी बच गया इतना बैलेंस, फिर माइनस किया ये, तो बाकी आंसर जो है वो क्या बच गया वो आपने बता देना। तो ये वैल्यूज उन्होंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दी हुई थी, आपने सिंपल ऊपर हेडिंग दे दी कैश इन हैंड और आगे बता दिया इस तरह हेडिंग दे के। अब दोस्तों आपके पास बच गया 1,75,000, उसमें से आपने माइनस यानी आपने फर्स्ट ने खर्च कर दिया 1,10,000। तो बताएं 1,75,000 में से बाकी कितना बच गया 65,000, 65,000 में से दोस्तों फिर आपने 40,000 खर्च कर दिया तो बाकी कितना बच गया 25,000। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों कैश इन बैंक, मान लें आपने जो है वो अपना कैश बैंक में रखवाया, तो जब आपने अपना बैंक में बैलेंस रखवाया ना, यानी बैंक में अकाउंट खुलवाया, तो आपका उस वक्त बैलेंस था 1,60,000। जब आपने बैलेंस रखवाया बैंक में, उसके बाद आपने उस बैंक में से जो है 40,000 रुपया विदड्रॉ करवा लिया, 40,000 विदड्रॉ करवाया, जब विदड्रॉ करवाया तो बाकी आपको बच गया बैलेंस 1,20,000। उसके बाद आपने अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाया 60,000 रुपया, जब 60,000 आपने डिपॉजिट करवाया तो आपका जो नया बैलेंस आया वो आया 1,80,000, क्योंकि आपका पुराना बैलेंस था 1,20,000, उसमें से आपने उसमें अपने डिपॉजिट यानी नई रकम जमा करवाई बैंक में 60,000, तो आपको बन गया 1,80,000। उसमें से आपने फिर क्या किया, 80,000 रुपया आपने दोबारा निकलवा लिया बैंक से, जब 80,000 निकलवाया तो बाकी आपको कितना बच गया 1,00,000 रुपया बच गया बैंक में। नेक्स्ट फर्नीचर, मान लें आपने 1,10,000 का फर्नीचर दोस्तों खरीदा, उसमें आपने 1,50,000 का मजीद फर्नीचर ऐड कर दिया, तो कितना बन गया, 1,10,000 का फर्नीचर आपके पास पहले था, फिर उसमें आपने 1,50,000 का मजीद फर्नीचर ऐड किया, तो कितना टोटल फर्नीचर होगा, कितने कितने की मालियत का, आपके पास 2,60,000 का जो है फर्नीचर टोटल मालियत का हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, उसमें से आपने 55,000 का फर्नीचर बेच दिया, जब आपने 55,000 का बेचा तो आपके पास बाकी फर्नीचर की अमाउंट कितनी लगी, यानी कितने का फर्नीचर बच गया 2,05,000 का। उस 2,05,000 में दोस्तों आपने 80,000 का मजीद फर्नीचर यानी ऐड किया, तो आपके पास जो है जो नया फर्नीचर आया उस फर्नीचर की प्राइस है 2,50,000, यानी 2,50,000 रुपये का आपके पास नया फर्नीचर जो है वो फिर हो गया। तो ये आपको फाइनल आंसर है फर्नीचर का। नेक्स्ट चौथा जो है वो शॉर्ट टर्म लोन है, मान लो आपने फर्स्ट टाइम दोस्तों बैंक से लोन लिया 70,000 रुपये का, ठीक है, तो आपका लोन कितना हो गया, लोन प्राइस कितनी हुई 70,000, ठीक है। मान लो आपने कुछ देर बाद जो है ना बैंक से दोबारा लोन लिया 1,10,000 का, तो आपने 70,000 का पहले लोन लिया हुआ था, 1,10,000 का मजीद आपने बैंक से लोन लिया, तो आपके पास टोटल लोन प्राइस कितनी होगी 1,80,000, यानी 1,80,000 का लोन आपने बैंक से ले लिया। मान लो उसके बाद आपने क्या किया, आपने बैंक को जो है 1,10,000 रुपया वापस कर दिया, 1,10,000 रुपया वापस किया, जब आपने 1,10,000 वापस किया तो 1,80,000 आपने लोन लिया हुआ था, जिसमें से आपने 1,10,000 बैंक को वापस किया, बाकी आपका कितने लोन की प्राइस कितनी बच गई 70,000, यानी बैंक को अभी आपने 70,000 रुपया और देना लोन का, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, मजीद 60,000 का आपने मजीद लोन ले लिया बैंक से, तो यानी 70,000 का पहले लोन लिया हुआ था, 60,000 आपने मजीद लोन ले लिया, तो 70 और 60 कितना हो गया 1,30,000, यानी 1,30,000 का आपने बैंक से लोन ले लिया। अब आपने क्या किया, बैंक को कुछ देर बाद आपने 40,000 रुपया वापस किया, जब 40,000 वापस किया तो 1,30,000 का आपने लोन लिया हुआ था, जिसमें से 40,000 आपने वापस किया, तो बाकी कितना बच गया 90,000, यानी 90,000 रुपये का लोन आपने इस वक्त लिया हुआ है, जो आपके आपका फाइनल जो है वो शॉर्ट टर्म लोन का आंसर है। तो दोस्तों इस तरह टेबल की फॉर्म में आपने इनको शो करना है, ये सारा आंसर मैंने आपको बता दिया है, तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं। ये लें, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ये आपके सेकंड क्वेश्चन के अंदर पहला कैश इन हैंड का आंसर है, ये कैश इन बैंक का आंसर है, कैश इन फर्नीचर का आंसर है, और शॉर्ट टर्म लोन का आंसर है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।